नमस्कार। DDUP को परवाह है, स्वास्थ्य की हम लाए हैं सेहत आपकी। आपके लाइफ और इन शो हेल्थ शो सेहत आपकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हम पुरुषों से संबंधित रोग पर जानकारी लेकर के आए हैं, यानी आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाले रोग पर होम्योपैथिक उपचार। आइए, इस विषय पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, सबसे पहले सेहत आपकी कार्यक्रम में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं विषय से संबंधित थोड़ी सी विस्तृत जानकारी। तो आइए देखते हैं सेगमेंट डॉक्टर के साथ। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट विषय के लिए आमने सामने बैठे हैं। आप सेट के सामने बैठे हैं और हम आपके सामने बैठे हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट के विषय में। जैसा आपको मालूम है, प्रोस्टेट यानी कि गदूद, यह वो ग्रंथि होती है हमारे शरीर की जो ता उम्र बढ़ती है, ये जीवन बढ़ती रहती है ज़्यादातर लोगों में, और एक वक्त आता है कि थोड़ा परेशानी का सबब बन जाती है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ये होती कहाँ पर है। यह जो है आपके पेट के लोअर एब्डोमेन में, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, आपके पेशाब की थैली होती है, उसके ठीक नीचे यह ग्रंथि होती है जो अखरोट के साइज़ की होती है, एक वॉलनट के साइज़ की होती है। और इस ग्रंथि का काम होता है आपके जो शुक्राणु हैं उस एरिया को, जो यूरेथ्रा का रास्ता है, उसको मॉइस्ट रखना, उसको लुब्रिकेट करना, उसको चिकना रखना। जैसा हमने बताया, वक्त के साथ ये बढ़ती रहती है और ज़्यादातर लोगों में आज के वक्त में ये इतनी बढ़ जाती है कि 40-45 साल के बाद एक डिफ़िकल्टी का सबब बन जाती है, परेशानी का सबब बन जाती है। आपको पेशाब का फ्लो में दिक्कत आ जाती है, पेशाब रुक रुक के होने लगती है और इस तरह की परेशानी होती है। साथ में इसमें एक और पहलू है कि यह जो है, जो कैंसर होता है, हम पुरुषों में जो कैंसर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैंसर प्रोस्टेटिक कैंसर होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि प्रोस्टेट ग्रंथि आपको बहुत दिक्कत भी दे सकती है। ज़्यादातर ये शिथिल पड़ी रहती है, लेकिन कभी ये बहुत तकलीफ दे सकती है। तो यह एक प्रोस्टेट के विषय में था। इसको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं, मतलब ना फैलने वाला, नॉन कैंसरस प्रोस्टेट का बढ़ना, जो कि आमतौर पर हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब आपको ये कैंसरस फॉर्म टर्न होता है तो यह हार्मफुल होता है। दर्शकों, हमारे शरीर में हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हमें हर अंग के रोगों से जुड़ी हुई जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही उसका निराकरण कैसे करें इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइए अब आपसे जुड़ने का, यानी आपके फोन कॉल्स को हमें अटेंड करने का जो सेगमेंट है, यानी हेलो डॉक्टर, आइए उससे जुड़ते हैं। दर्शकों, हेलो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और आपको बता दें, आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट ग्रंथि में होम्योपैथी उपचार। दर्शकों, आप हमें फ़ोन करें, इसके लिए आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फ़ोन नंबर्स को नोट कर लें। और आपसे हम अपील करते हैं कि आप जब फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। तो नोट करें हमारे फ़ोन नंबर, हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522-220-5756। हमारा दूसरा नंबर है 0522-228-8698। हमारा तीसरा नंबर है 0522-401-5988। दर्शकों, जैसा कि हमने आपसे अनुरोध किया कि जब आप कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि, डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, हम उनको पहले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, प्रश्न बताएं। जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी भाई साहब बताएं। जी डॉक्टर साहब, आदाब अर्ज है। आदाब बड़े भाई, आदाब। बहुत 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 मेहरबानी कि आप हम लोगों से समय निकाल कर मिल रहे हैं। शुक्रिया बड़े भाई कि आप वक्त निकाल के हम लोग को सुन रहे हैं, बताइए। मैं मोहम्मद अंसार अली लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी जी सरकार, सर ये बताइए कि अगर प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं तो इस वक्त किस किस चीज़ों का सावधानी से का इस्तेमाल किया जाए?
आपको अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इसके लिए आप सबसे पहला एक काम आज से घर में शुरू कर दें, वह यह है कि आप तांबे के जग में पानी पीना शुरू कर दें। अब ऐसा आप क्यों करें मैं ये भी बताता हूँ। आप तांबे के जग में पानी पीना इसलिए शुरू कर दें कि जो कॉपर्स आयंस होते हैं यह जो है मसल में ट्रांसफ़र करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कोई भी आयंस। तो अगर आप कॉपर आयंस आपके रहेंगे तो जो है आपका जो प्रोस्टेट है वह भी कहीं ना कहीं रिप्लेनिश होगा और आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप स्प्राउट्स खाना शुरू करें। अगर आप अंकुरित चीज़ें खाते हैं तो जो आपके ग्लैंड्स के लिए आपको मिनरल्स चाहिए वह मिनरल्स आपको पूरी तरह मिलते रहेंगे और आपका प्रोस्टेट और तमाम अन ग्लैंड स्वस्थ बने रहेंगे। तीसरी बात, आप पानी बहुत पिए। पानी जब आप ज़्यादा पिएंगे तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता रहेगा और जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा तो साथ में आपका प्रोस्टेट भी डिटॉक्सिफाई होगा और यह प्रोस्टेट असमय नहीं बढ़ने पाएगा, वक्त के साथ थोड़ा बढ़ेगा कभी तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। हमारे कॉलर को कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाले जो आम रोग हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाले आम रोग का सबसे बड़ी बात ये प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टेट का जब इन्फ्लेमेशन होता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो यह बहुत सारे रोगों को जन्म दे देता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है UTI, पेशाब में इन्फेक्शन। अक्सर आप लोगों को महसूस होता होगा कि पेशाब में जलन होने लगी क्योंकि पेशाब खुल के नहीं हो रहा, कहे थोड़े कतरे रह गए हैं, तो वो स्थिति जो होती है यह प्रोस्टेट बढ़ने के कारण एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। यह उसी तरह है कि जैसे किसी पाइप को आप ब्लॉक कर दें या पाइप का जो आपका फ्लो है उसको कम कर दें और पानी पीछे की तरफ पेशाब की थैली में जमा रहे और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होके आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता रहे, तो यह एक बहुत बड़ा कॉज है। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि वक्त आने पर यह पूरे पूरे ट्रैक्ट में आपकी किडनी तक इन्फेक्शन पैदा करता है और सूजन पैदा करता है जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जी जी। तो यह प्रोस्टेट का एक बहुत बड़ी बात है जो ये बार बार आपको दिक्कत देता है और एक स्थिति आ जाती है कि कभी कभी आपको ऑपरेट कराने तक की स्थिति बनती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है और उन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है, हम उनको इन्वाइट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलर। हेलो जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं जी। आपसे अनुरोध है कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बताइए। मैडम, मेरे फादर को ये मतलब यूरिनरी वाली प्रॉब्लम है, उनको मतलब बाथरूम जाते हैं तो बार बार बाथरूम बहुत स्लो आती है, मतलब रुक रुक जाती है। जी डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आपको। हाँ। प्लीज आप प्रश्न रखें अपना। ये भाई साहब बहुत कॉमन समस्या है इस उम्र की। आपके पिताजी हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि उनकी उम्र 60 साल के करीब की होगी या उससे ज्यादा होगी। यही आज का विषय है कि इस उम्र में आके प्रोस्टेट बढ़ जाता है, मरीज बार बार पेशाब को जाता है, रात में उसको कई बार उठना पड़ता है। इसके दो चार प्रमुख कारण होते हैं जिसमें से एक डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर होता है, दूसरा प्रोस्टेट का बढ़ना होता है। तो आज का विषय प्रोस्टेट का बढ़ना है तो मैं उसी की रोशनी में आपको इसके लिए कुछ दवाएँ बताता हूँ, आप उसको नोट कर लें। यह दवा कुछ वक्त करें, होम्योपैथी इसमें बहुत कारगर है। यहाँ पे हम कह देना चाहते हैं, देखिए सर्जरी की जहाँ ज़रूरत है वहाँ सर्जरी ज़रूरी है लेकिन वो आखिरी विकल्प होना चाहिए, उससे पहले अगर आप उसको बचा सकें तो उससे अच्छी क्या बात है। यहाँ आपको दूरदर्शन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपके पिताजी को प्रोस्टेट को ठीक करने की दवा। आप उनको सबसे इम्पॉर्टेंट दवा, वो रात में जो पेशाब बार बार जाते हैं तो वह है सबल सेरुलेटा। आप सबर सेरुलेटा का मदर टिंचर उनको 20 ड्रॉप 2 टाइम्स दे दें, सुबह शाम दे दें, आप देखेंगे कि उनका जो रात में बार बार पेशाब जाना है वह रुक गया और उनके पेशाब का फ्लो भी बढ़ गया और प्रोस्टेट ठीक होने लगा। तो आप यह दवा करके देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, उनका प्रोस्टेट के साइज़ में कमी आएगी। नॉर्मल जो वेट होता है इस, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका प्रोस्टेट को पता करने का कि प्रोस्टेट बढ़ा है कि नहीं है, अल्ट्रासाउंड है। आप एक सोनोग्राफी करा लीजिए, होल एब्डोमेन की या लोअर एब्डोमेन की करा लीजिए, उसमें जो है आपका प्रोस्टेट का वेट आ जाएगा। नॉर्मल वेट 20 से 24 होता है, अगर इससे ऊपर आपके प्रोस्टेट में वेट हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ी हुई है, तो आप समझ लें प्रोस्टेट है। और रिपोर्ट में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो नीचे लिख भी देता है कि आपको प्रोस्टेट है,
तो आप समझ जाएंगे प्रोस्टेट है, आप ये दवा लें, निश्चित रूप से वो लाभ पाएंगे। और आप PSA की जांच जरूर करा लें, क्योंकि बुजुर्गों को प्रोस्टेटिक कैंसर बहुत जल्दी हो सकता है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे तो सारी बातों का जिक्र करना है। कुछ शब्द होते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते लेकिन बोलने पड़ते हैं, तो प्रोस्टेटिक कैंसर जो है उसके लिए आप PSA जरूर कराते रहें अगर किसी का भी प्रोस्टेट बढ़ा है। ये सारे दर्शकों के लिए ये बात है कि PSA बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, क्योंकि पुरुषों का सबसे तेज फैलने वाला कैंसर प्रोस्टेटिक कैंसर है। जी, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आपने PSA का जिक्र किया तो यहाँ जी डॉक्टर साहब हम अपनी बात को बाद में करेंगे, पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं, लखीमपुर से हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते, आपका स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। कल मैडम मेरे कुछ पेशाब उतरती नहीं है साफ, मगर पानी हम जैसे ज्यादा भी पीते हैं लगती है, मगर जो है मतलब जब करने जाते तो उतरती नहीं है बढ़िया, पता नहीं क्या दिक्कत है। भाई साहब बहुत वाजिब सवाल आपका है और बहुत सही मंच पे आपने इसको पूछा है, क्योंकि PSA क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ना भी शायद आपकी समस्या है। आप इसके लिए दवा नोट करें, सीधी सीधी इसकी दवा है। अगर आपको पेशाब निकलती नहीं है, आपको पेशाब होने के लिए वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है इसको ठीक करने की चीमाफिला। आप चीमाफिला अम्लीकाटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह एक होम्योपैथिक दवा है, आप इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो जो पेशाब को शुरू में निकलने में जो आपका एक इनिशिएशन होने में वक्त लगता है वह घट जाएगा, और इसी के साथ इस दवा से आपका प्रोस्टेट भी सही हो जाएगा। यह बहुत कारगर दवा है, इसको आप लेके पेशाब खुल के कर सकते हैं। और इसी में एक दूसरी दवा आती है, जैसे एक स्थिति आती है दर्शकों कि पेशाब एक तो निकल नहीं रही और आपको पैरों को फैलाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जोर अंदर से एग्जर्ट करना पड़ता है पेशाब होने के लिए, अगर वह स्थिति हो रही है हमारे किसी दर्शक के साथ, तो उस स्थिति की दवा बहुत अच्छी है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यूरिन भी प्रॉपर होने लगा और आपके प्रोस्टेट भी ठीक हो गया। हमें उम्मीद है डॉक्टर साहब कि हमारे कॉलर जिन्होंने अभी प्रश्न किया था उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया और बहुत ही संतुष्ट हुए होंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट ग्रंथि में आम रोगों की, आपने लक्षण के बारे में भी बताया, PSA के बारे में भी आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब यहाँ पर हम कारणों पर भी जाएंगे कि किन किन कारणों की वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि के रोग होते हैं। कारण आज तक प्रोस्टेट बढ़ने का कारण अननोन है जी, लेकिन देखा गया है क्या जेनेटिक भी होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भी होता है, और आपको बार बार जब आप यूरिन नहीं जाते, जब बॉडी में बहुत टॉक्सिसिटी इकट्ठा हो जाती है तब भी प्रोस्टेट बढ़ता है, तो यह कारण सोचे जाने गए हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट कारण आज तक क्या है प्रोस्टेट बढ़ने का, यह आज तक डिटरमिन नहीं हो पाया है जी। लेकिन अपना लाइफस्टाइल, जाहिर सी बात हर डिजीज़ का एक कारण होता है, वो प्रोस्टेट का भी कारण है। बहुत वक्त तक पेशाब ना जाना, रोके रखना उसको, आजकल की आपाधापी की ज़िंदगी है, हर व्यक्ति समय के आगे भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन समय उससे बहुत तेज भागा जा रहा है, तो उसको पकड़ने की जो दौड़ है उसी में आदमी अपने को बीमार कर रहा है, और प्रोस्टेट उसका एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि बार बार जब आपको UTI होता है, यहाँ पे मैं एक शब्द और लाना चाहूंगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार जब प्रोस्टेट आपको UTI होता है तो भी आपके पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है उस पर जोर पड़ता है, और जब उस पर एग्जर्शन पड़ता है तो माना जाता है उससे प्रोस्टेट की ग्रंथि स्वेल होती है जी। तो एक कारण वो हो सकता है, और यहाँ पर भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है जी जी। अगर किसी की प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी और बार बार उसको UTI हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो वह बहुत आसानी से सही कर सकता है। पहली बात तो है पानी बहुत पिए, और दूसरी बात है होम्योपैथिक दवा ले ले। इसके लिए दवा, अगर UTI आपको हो रहा है, यूरिन का एग्जामिनेशन आपने कराया और उसमें आपको पस सेल नजर आए जी, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा कैंथेरिस है। आप कैंथेरिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे पेशाब की जो जलन हो रही है प्रोस्टेट बढ़ने के कारण वह खत्म हो गई। और दूसरी दवा इसकी एपिस है जी, एपिस मेलिफिसिया, यह भी 30 पावर में 2-2 बूंद हमारे वो दर्शक दिन में 3 बार ले सकते हैं जिनको पेशाब में जलन होती है, उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और उनके चेहरे पे थोड़ी सूजन भी आ जाती है, उस स्थिति में एपिस बहुत कारगर दवा है। डॉक्टर साहब यहाँ मर्ज के साथ में आप दवाएं भी बताते जा रहे हैं, और देखिए हमारे साथ एक कॉलर भी है जो बिहार से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है, प्रश्न रखें। जी हेलो, गोपालगंज बिहार से हम बोल रहे हैं। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। तो हमको प्रोस्टेट का लक्षण पता करना था।
अच्छा, क्या लक्षण होते हैं जी इसके आप अलावा? प्रोस्टेट का क्या लक्षण होते हैं जी, वही जानना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपकी कॉल के लिए। बहुत बढ़िया सवाल उठाया भाई साहब। लक्षण पता होंगे तो आप इलाज कर पाएंगे, तो लक्षण पता होना बहुत जरूरी है। देखिए इसके चार मेन लक्षण हैं जी। पहला लक्षण ये है कि आपको पेशाब खुल के ना होना, रात में बहुत बार आपको पेशाब जाना जी। दूसरा लक्षण हो गया कि पेशाब में जलन होना, बार बार आपको इन्फेक्शन होना कि पेशाब में जलन, हर चौथे दिन पेशाब में जलन होने लगी, फिर आपने पानी ज़्यादा पीना शुरू करा, जलन खत्म हुई लेकिन फिर दो दिन बाद जलन हो गई, ये दूसरा लक्षण हो गया जी, जी। तीसरा लक्षण हो गया जो पेशाब की स्ट्रीम है, पेशाब की धार है, फ्लो है, वह धीमा होना, वो जैसे एक पाइप को दबा दिया जाए तो पानी धीमा हो जाता है, इसी तरह आपको स्टीम को फीबल होना जी। और बार बार यूटीआई होना, यह जो लक्षण है जो मुख्य तौर पे प्रोस्टेट के हैं। और आपको कभी कभी जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो जब इन्फेक्शन होता है तो पीछे गुर्दों में आपको दर्द होने लगता है, जो पीठ के आपके पीछे का हिस्सा है नीचे निचली तरफ, वहाँ पे आपको पेन और भारीपन होने लगता है, तो यह प्रोस्टेट के लक्षण हैं। और उम्र इसको इस पर अपना दस्तखत करके इस लक्षण को पक्का कर देती है। अगर आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है तो बहुत संभावना है आपका प्रोस्टेट बड़ा हुआ हो जी। यानी एज फैक्टर भी इसमें काम करता है, एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जी, जी। क्योंकि एज के साथ ही प्रोस्टेट बढ़ता है और जब बढ़ता है तो आपको दिक्कत देता है जी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को डायबिटीज है या फिर हार्मोनल डिजीज है या जो लोग अत्यधिक दवाओं का सेवन करते हैं, क्या उनको भी प्रोस्टेट ग्रंथि के रोग हो सकते हैं? कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ का विषय है, निश्चित रूप से डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर बीमारी को इफ़ेक्ट करती है जी। क्योंकि वो आपके शरीर को वीक कर रही होती है, तो एक कारण हो सकता है, बहुत नोन कारण नहीं है, क्योंकि इसको इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि डायबिटीज़ भी एक उम्र के साथ सामने आती है। पहले व्यक्ति प्री डायबिटिक रहता है, फिर वो डायबिटीज़ में आ जाता है, तो उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। और निश्चित रूप से डायबिटीज़ क्योंकि शरीर को कमज़ोर करती है, पूरे बॉडी को कमज़ोर करती है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स करती है जी, जी। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, वो स्थिति डायबिटीज़ में प्रोस्टेट बढ़ने से आती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिनाइन प्रोस्टेटिक के बारे में जिक्र किया था, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे जी। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक और कॉलर है अम्बाला से। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बात कर रही जी। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं आप। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बस टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें प्लीज। टीवी का वॉल्यूम तो कम है मैडम जी, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम जीसी गर्ग है जी। जी स्वागत है आपका। हाँ तो मैं जो हूँ प्रोस्टेट के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे काफी समय से प्रोस्टेट है, मुझे काफी समय से प्रोस्टेट की बीमारी है और मैं काफी पानी पीता हूँ। जब मैं पेशाब जाता हूँ तभी मुझे पानी पीने की एकदम जरूरत महसूस होती है। भाई साहब, हम आपको इसकी चार बहुत कारगर दवाएं बताते हैं, आप काफी पेन लेके नोट कर लें और हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो काफी पेन लेके नोट कर लें। जैसे क्या होता है, दवाएं बहुत होती हैं लेकिन तजुर्बे के साथ वो जो है वो उसका चुनाव होता रहता है और चुनाव होने के बाद एक आउटकम आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो दवाएं जिससे हम लोग प्रोस्टेट के मरीज को, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के मरीज को सक्सेसफुली ठीक कर देते हैं। आप नोट कर लें, पहली दवा है चीमाफिला अम्लिकाटा 30, चीमाफिला अम्लिकाटा 30 पावर में दो दो बूंद। दूसरी दवा है ब्राइटा कार्बोनिकम, यह भी 30 पावर में आपको लेनी है। तीसरी दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा, यह भी आपको 30 पावर में लेनी है। और चौथी दवा है क्लिमेटिस इरेक्टा। ये चार दवाओं का कॉम्बिनेशन और साथ में सबल सेडुलेटा का मदर टिंचर निश्चित रूप से आपको 3 महीने में, मैं समझता हूँ 3 महीने में आपको प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की दिक्कत से निकाल देगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर दिक्कत परसिस्ट करे तो आसपास कुशल चिकित्सक से ज़रूर मिले और अपने PSA की जाँच ज़रूर करा लें कि एक बार देख लें वो 4 के नीचे है कि नहीं है, क्योंकि 4 उसकी नॉर्मल वैल्यू है जी। आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी लेना चाहेंगे। हेलो जी मैम। जी आपका स्वागत है, बस आपसे अनुरोध है कि अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। जी मैम। जी मैम, वो पेशाब खुल के नहीं आता है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र खड़े रहते हैं, देर से आता है। और मैंने RGU भी कराया है, साइटोस्कोपी भी कराया है सर, तो साइटोस्कोपी कराया था सर, उसमें ये
आगे का जो सिरा होता है पेनिस का, उसमें कुछ स्वेलिंग टाइप का था, और ये मैंने आरजीयू कराया था तो बोले थे कि इन्फेक्शन है। ये सर अभी फिर भी टेस्टिंग में खुजली टाइप का है मतलब, और एक ट्यूमर जैसा है सर। इसकी भाई साहब बहुत अच्छी होम्योपैथी में दवा है, सीधे आप दवा करें और इसको ठीक पाए। आपके हुआ क्या है, आपके स्ट्रिक्चर हो गया है, यूरेथ्रा होता है उसमें स्ट्रिक्चर हो गया है, तो आपको तकलीफ हो रही है। इसकी बहुत अच्छी दवा है स्टेफिस सेग्रिया, आप किसी मेडिकल स्टोर से स्टेफिस सेग्रिया 30 पावर में ले लें और उसको दो दो बूंद लेना शुरू कर दें। साथ में आप जैसा हमने यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बताया था एपिस और केंथेरिस, आप एपिस और केंथेरिस यह भी 30 पावर में, यानी अब हो गई आपकी तीन दवाएं। पहली हो गई स्टेफिस सेग्रिया जो आपके स्ट्रिक्चर में काम आएगी, और दो दवाएं हो गई एपिस 30 और केंथेरिस 30, यह आपके यूटीआई में काम आएंगी। आप इन तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन ले लें, आप पाएंगे कि आपको पेशाब खुल के होने लगा और आप अपनी तकलीफ से बाहर हो गए और आपका बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी भी ठीक हो गया। जी, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये भी बता दें कि यदि आप दवाओं को नहीं नोट कर पाए हैं तो आप हमारे प्रोग्राम को दोबारा भी देख सकते हैं सुबह 9 बजे, और इसके साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे प्रोग्राम सेहत आपकी को देख सकते हैं। दर्शकों, हम अब आगे प्रश्न को लेना चाहेंगे, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया बेनाइन प्रोस्टेटिक के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर दें और थोड़ा जांच के बारे में भी हम जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ जी, एक टर्म आता है जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए प्रोस्टेट या पेशाब के फ्लो के विषय में, तो एक टर्म आता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जिसको बीपीएच कहते हैं। ये साथियों कोई अलग विषय चीज नहीं है, जो प्रोस्टेट का बढ़ना होता है वो नॉन कैंसरस होता है और इसी को बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो बीपीएच ही प्रोस्टेट बढ़ना को ही बीपीएच कहते हैं, दोनों एक ही टर्म है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, बशर्त है वो प्रोस्टेट बढ़ना कैंसरस ना हो। जी डॉक्टर साहब, और जांच की क्या कौन कौन सी विधि है? जांच के लिए बहुत आसान है मैडम, जांच के लिए कोई विशेष आपको प्रयास नहीं करना है। एक आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना है लोअर एब्डोमेन का, और उसमें जो है आपको प्रोस्टेट का वेट आ जाएगा, प्रोस्टेट का वेट 24 ग्राम से कम होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, और वो डॉक्टर खुद ही लिख देगा प्रोस्टेटोमिगैली या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बोथ आर द सेम थिंग। पर जैसे ही ये आए वैसे ही आप एक्शन में आ जाइए, यह क्यूरेबल है, यह ठीक होने वाली बात है और यह दवाओं के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों को सूजन की समस्या है उनके लिए कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर कारगर हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल करा मैम। सूजन को ठीक करने की प्रोस्टेट की नंबर एक दवा है बराइटा कार्बोनिकम। होम्योपैथी कहती है हाइपरट्रोफी ऑफ ऑल ग्लैंड्स, तो बराइटा कार्ब 30 आप दिन में 3 बार दो दो बूंद अगर ले लेते हैं तो आपकी प्रोस्टेट की सूजन पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आप अपने को स्वस्थ और बेहतर महसूस करेंगे प्रोस्टेट को ठीक होने के बाद। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि के जो रोगों की जो शुरुआत होती है उसके बाद ये प्रोस्टेट कैंसर में भी तब्दील होती है, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र जरूर करें। प्रोस्टेट कैंसर, जैसा कि हम सब जानते हैं, कैंसर तब होता है जब आपकी कोशिकाएं एक शरीर के नियमानुसार ना डिवाइड होकर उनका डिवीजन बहुत तेज हो जाए, सेल की ग्रोथ बहुत तेज हो जाए, उसमें स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आने लगे, तो वह प्रोस्टेट कैंसर की स्थिति होती है, वह थोड़ी भयावह होती है और यह सीधे लीवर तक पहुंचते हैं सेल्स। तो हमको इसीलिए मैं कहता हूं, जिसको भी मैं कार्यक्रम में शायद 3 बार जिक्र करा हूं, जिसको भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है वो PSA की जांच जरूर कराता रहे और देखता रहे PSA 4 से ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है। अगर बढ़ा है तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले। यहाँ पर हम कहेंगे 4 से आगे बढ़ना भी मतलब कोई ये नहीं कि आपको इमरजेंसी आ गई, आप घबरा जाएं, बस ये है कि एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब हम हेलो डॉक्टर से आगे बढ़ते हैं और दर्शकों आपको ले चलते हैं अपने उस खास सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट में कौन कौन से ऐसे परहेज हमें करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी प्रश्न यहाँ पर अभी छोड़ते हैं और एक कॉलर को यहाँ पर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। जी नमस्कार, हाँ जी नमस्कार, अपना हाँ जी, मैं रंजीत सिंह अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी जी स्वागत है आपका, प्रश्न रखे आप। कई दफा मैं डॉक्टर साहब, कई दफा ऐसे होता है जैसे ना बाथरूम आया होता है, जैसे हमको तेज आ रहा है बाथरूम, ठीक है जी,
रंजीत भाई, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ, आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं समझ चुका हूँ। पेशाब आपको बहुत तेज आ रहा है, लेकिन जब पेशाब करने गए तो पेशाब नहीं हुआ या बहुत कम हुआ या बहुत देर लगी? स्टोन में सर, सर और स्टोन मेरे लिए, स्टोन भी है किडनियों में, अगर वो स्टोन कहीं अटक जाते हैं इस वजह से भी हो सकता है सर? वो बिल्कुल हो सकता है, इसके दो विषय हो सकते हैं। और यह समस्या देखने में आती है कि जिसका प्रोस्टेट बढ़ा होता है उसको पेशाब के रास्ते पथरी निकलने में दिक्कत होती है। तो मैं ये दो सवाल हैं, दोनों का जवाब अलग अलग दे देता हूं। पहला विषय जो उठा है वह यह उठा है कि पथरी है उसके कारण पेशाब नहीं हो रहा। अगर आपको पथरी है गुर्दे में और वह पथरी नीचे उतर आई है यूरेथ्रा में, पेशाब की नली में यूरिनरी ब्लैडर में फंस गई है, तो उसको निकालने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लोग लाइकोपोडियम क्लेवेटम का 1,00,000 पावर का एक खुराक हर हफ्ते ले लें। 2 से 3 हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि आपकी पथरी, फंसी पथरी निकल जाएगी, जिससे आपका पेशाब नहीं हो रहा है। दूसरा, इसमें आप एक घरेलू नुस्खा कर सकते हैं, आप फिटकरी का पानी ले लें। जी डॉक्टर साहब, अब समय बहुत ही कम है हमारे साथ, और अपने कॉलर को हम धन्यवाद देते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट हेल्थ टिप्स की ओर।